वेलकम टू पाकिस्तान के साथ। हम अभी पाकिस्तान की सरजमीं पे खड़े हैं। हमारा पाकिस्तान का स्टैंप लगवा लिया है, पाकिस्तान FIA एंट्री। पीछे उधर मेरे आप पीछे देख पा रहे होंगे पाकिस्तान मिलिट्री भी खड़ी है और पाकिस्तानी आर्मी हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे सर्विलांस करते हुए। इंडिया और पाकिस्तान के बहुत से लोग जिनके परिवार जन कुछ तो इंडिया में है कुछ पाकिस्तान में है, तो वो करतारपुर में आके मिलते हैं। जिसमें कुएं के पास खड़ा होना, ये वही कुआ है जहां पर गुरु नानक देव जी खुद पानी भरा करते थे। ये देखो, ये वही बॉम्ब है जो कि यहां पे लिखा हुआ है कि इंडिया ने गिरा था। और बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट कह सकता हूँ मैं अपने लिए, जो कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है। फाइनली पाकिस्तान एंटर हो रहे हैं हम लोग। यू कैन सी दैट मेरे बिल्कुल सामने पाकिस्तान है। ये देखिए, इंडिया एंड आगे पाकिस्तान। अभी मैं इंडिया में हूँ और आगे है पाकिस्तान। ये देखिए, इंडिया टू पाकिस्तान फाइनली। गुड मॉर्निंग जनाब, गुड मॉर्निंग। फाइनली भाई पाकिस्तान, इंडिया टू पाकिस्तान आ चुके हैं भाई, इतनी मशक्कत के बाद फाइनली। गुड मॉर्निंग सर, हाय एवरीवन, हाय। तो हम आ चुके हैं अभी पाकिस्तान के अंदर, फाइनली ऑफिशियली हम एंटर कर चुके हैं पाकिस्तान में। जो चीज़ हम बचपन से देखते आ रहे थे, मैं पर्सनली देखता आ रहा था, जो कि बॉर्डर के आसपास मैं ही बड़ा हुआ हूँ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास। और फाइनली मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे इंडिया, और अभी मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान के अंदर फाइनली। तो इतनी ज़्यादा ये मेरे लिए हिस्टोरिकल मोमेंट कह सकता हूँ अपने आप के लिए, जब मैं पाकिस्तान के अंदर खड़ा हूँ। एंड क्या ही बताऊं मैं आपको, मैं मतलब इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता अपनी मतलब जुबान के अंदर कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ जनाब। ये मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ? ठीक है, धन्यवाद जी। तो हम लोग फाइनली एंटर हो चुके हैं पाकिस्तान। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है, और मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता कि एज एन इंडियन पाकिस्तान में आना कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। एंड फाइनली वेलकम टू पाकिस्तान। जी हाँ, वेलकम टू पाकिस्तान के साथ हम अभी पाकिस्तान की सरजमीं पर खड़े हैं। और भाई ये हिस्टोरिकल मोमेंट मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। और आप लोग जो देख रहे हो, अभी हम पाकिस्तान के अंदर हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान की इमिग्रेशन और कस्टम पे। तो ये आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, जो पाकिस्तान का इमिग्रेशन है शायद वहाँ पे। और यहाँ पे पहले हमें इमिग्रेशन पे जो फीस है वो पे करनी होगी, वो करके हम जा सकते हैं अंदर की तरफ। ठीक है जी, अकाउंट रहा? ठीक है जी, ठीक है। सो वेलकम टू पाकिस्तान। हम लोग फाइनली पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। पूरी संगत पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। एंड अब जाकर हम जो हमारी फीस है उसे पे करेंगे और फिर हम चलेंगे आगे करतारपुर साहिब जी की तरफ। क्या बात है। और पीछे उधर मेरे आप पीछे देख पा रहे होंगे पाकिस्तान मिलिट्री भी खड़ी है। और भाई इतना इतनी खुशी मिल रही है एक दिन के लिए पाकिस्तान के अंदर एंटर करने का। बाकी अब हम हमारे डॉलर्स पे करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। मैं पाकिस्तानी मिलिट्री से भी आपको मिलाऊंगा और पाकिस्तान के लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा। तो भाई फाइनली हमने यहाँ पे जो हमारी फीस थी $20 सबमिट कर दी है, जिसका हमें ये मिला है। ये स्टाम्प भी लगी है इनकी, जैसा कि बहुत लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान की स्टाम्प लगती है। तो जी हाँ, लगती जरूर है, लेकिन आपकी रिसिप्ट पे लगती है, आपके पासपोर्ट पे नहीं लगती। आपका नाम क्या मैम? पूजा। पूजा, आपका सर? राहुल। राहुल, सो नाइस टू मीट यू। तो साथ में जा रहे हैं हम लोग करतारपुर साहिब और दर्शन करने के लिए आज फाइनली। कैसा लग रहा है पाकिस्तान में आगे? बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम एंजॉय कर रही है। कभी बिलीव किया था पाकिस्तान जाके हम लोग? नो, कभी सपने में भी नहीं सोचा, पर अब अचानक से आ गए। आपने सर, कैसा लग रहा है? ऐसे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरे देश में खड़ा हूँ? अभी तक तो नहीं, थोड़ा आगे जाएंगे। तो भाई ऐसे ही लग रहा है, अपने जैसे ही लोग, इंडिया बेस्ट है, वही लैंग्वेज, वही सब कुछ। बिल्कुल, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसा वैसा चेंज। बट ठीक है, हम धन्यवाद करेंगे सरकारों को जिन्होंने एटलीस्ट हमें एंट्री के लिए तो थोड़ा किया, वरना पाकिस्तानी तो नहीं आ सकते, लेकिन हम तो फिर भी जा सकते हैं। तो भाई धन्यवाद करूंगा मैं लीडर्स का और साथ में गुरु नानक देव जी का, जिसकी कृपा से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। आपने करेंसी पाकिस्तानी ले ली क्या? नहीं, अभी चेंज करो। ठीक है, मैं भी पाकिस्तानी करेंसी ले लेता हूँ। एक्सचेंज रेट क्या होगा वो मैं आपको भी दिखा दूंगा कि पाकिस्तानी करेंसी का एक्सचेंज रेट हमें क्या मिलता है यहाँ पे। फिर चलते हैं पाकिस्तानी करेंसी लेकर हम लोग आगे की तरफ। पाकिस्तान की स्टाम्प लग चुकी है, पाकिस्तान एंट्री स्टाम्प लग चुकी है और अभी इमिग्रेशन में है।
इमिग्रेशन हुआ है और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। जी हाँ, तो हम लोग पहुंच चुके हैं पाकिस्तान की सरजमी पर। पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं हुआ, स्टैंप हुआ है रिसिप्ट पे, और फाइनली वी आर इन पाकिस्तान नाउ। और भाई अलग ही खुशी मिल रही है देख के कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। और जिन लोगों को भी वो था ना कि हाँ पासपोर्ट और स्टैंप लगता है, फिर से देख लो, स्टैंप आपके रिसिप्ट पे लगेगा, पासपोर्ट पे नहीं लगेगा। तो जी हाँ, अभी हमको दो बसें लेने आई हैं, इन बसों में बैठकर हम चलने वाले हैं। पीछे आप ये देख लो इमिग्रेशन आई है। पाजी मैं इधर खड़ा हो जाऊं। जी जी, धन्यवाद। तो भाई फाइनली वी आर इन पाकिस्तान ऑफिशियली, स्टैंप लग चुकी है और अब हम जाने वाले हैं आगे की तरफ। ये सामने इमिग्रेशन था, इमिग्रेशन हमारा हो चुका है और अब हम इमिग्रेशन से आगे जाने वाले हैं आगे की तरफ। पीछे पूरी संगत आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। सो वेलकम टू पाकिस्तान। तो भाई हम लोग चल चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और अब हम जा रहे हैं सत श्री अकाल। हे गुरु सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, नाम वाहे गुरु, नाम वाहे गुरु, नाम वाहे गुरु। तो भाई फाइनली हम लोग पाकिस्तान में तो पहुंच चुके हैं। अब एक रिवर है यहाँ पे, रिवर क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं आगे करतारपुर साहिब जी की तरफ, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर तक है। तो हाँ 5 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं हम। बाकी फॉग है तो साइडों में तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ सर्विलेंस काफ़ी ज़्यादा है इस रोड पर, कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं। और हम लोग जा रहे हैं अभी आगे करतारपुर साहिब जी गुरुद्वारे की तरफ। पीछे संगत आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी भारी मात्रा में संगत आई आज भी, और आगे तो गुरुपुरब आ रहा है तो हाँ और भी भारी मात्रा में संगत आएगी। तो हाँ पाकिस्तानी आर्मी हर जगह देखने को मिलेगी। होले होले, ये देखिए भाई साहब दूध वाले भैया जा रहे हैं। और ये बोर्ड आ चुका है, वेलकम टू गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर एंड वेलकम टू पाकिस्तान। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो नाम वाहे गुरु। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब में और ये है गुरुद्वारा जी। तो अभी हम अंदर जाएंगे इसके, और पाकिस्तानी आर्मी हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे सर्विलेंस करते हुए। और फाइनली हमारे लिए दरवाज़े खुलते हुए, नहीं दरवाज़ा नहीं खुलेगा, साइड से जाएंगे। जी हाँ, वो रहा सामने गुरुद्वारा। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। सो निहार, सश्रियाकाल। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ करतारपुर साहिब जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम जी अहमद दाऊद है। सब तो पहला तो सारे पाकिस्तान आन के और दरबार साहब करतारपुर आन के खुशाम जी और जी आयन करने रहा। पहली गल तो है कि अंदर हम चैकिंग कोई नहीं होनी, अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट जड़े ने अपने को सामने रखने। आज जो तो कार्ड देते हैं, ये कार्ड ऐसे तरह तुम गले जहाँ पा के रखना। गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग के बारे मैं थोड़ा थोड़ा जहा गाइड कर देना, ताकि नवे आने वाले लोगों वास्ते सारी यात्रा सौखी रहे। जिस तरह ये सामने वाला दरवाज़ा तुम क्रॉस करोगे, दरवाजे के बिल्कुल नाल ही इस पासे थोड़े सजे पासे जो पहला कमरा होगा वह जोड़े घर का, उसे जोड़े जमा करवाने। जोड़े जमा करवाने तो बाद अगर तुम हाथ धोने ने, या इधर बाहर
ਪਿਲਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਨ ਹੋਣਾ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਕ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸ ਉਸ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇਗੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਕਸਟਰਾ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰੀ ਬੱਸ 4 ਵਜੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹਮ ਲੋਕ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋ ਹਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਰਫ ਔਰ ਭਾਈ ਸੱਚ ਬਤਾਓ ਨਾ ਤੋ ਮੈਂ ਅਭੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਕੇ ਮੈਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਫਿਸਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਕੇ ਆਫਿਸਰਸ ਕੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਤਾ ਆਪਕੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਥੰਬਨੇਲ ਮੇ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਉਨਕੋ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਥੋੜਾ ਵੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਅਭੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਐਸਾ ਲੱਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਕਿਸੇ ਦੋ ਮੁਲਕੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਹੈ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਛੜੇ ਭਾਈਓ ਸੇ ਮਿਲ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਕੇ ਅਭੀ ਚਲੇਂਗੇ ਆਗੇ ਔਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਗੋ ਸੇ ਮਿਲੇਂਗੇ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੈਨੇ ਉਨਕੋ ਬਤਾਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕਦਮ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਸਰ ਵੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਉਨਕੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਰਹਤਾ ਥਾ ਤੋ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਮ ਜੈਸੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਰਟਨ ਇਮੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਜੋ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਅਭੀ ਹਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਟਰ ਤੋਂ ਹਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਚਲਤੇ ਹਮ ਆਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਊਂਗਾ ਅਬ ਵੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹ ਵਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ 17-18 ਸਾਲ ਆਖਿਰ ਕੇ ਬਿਤਾਏ ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਖੜਾ ਹੂੰ ਨਾ ਵਹਾਂ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਯੂਨੀਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਵੀ ਅਭੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੋ ਆਪ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਫੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰ ਕਿ ਉਨਕੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਉਨਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ੇ ਥੀ ਉਹ ਯਹੀਂ ਪੇ ਦਫਨਾਈ ਗਈ ਥੀ ਜਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟ ਕਰ ਦਫਨ ਹੋਏ ਥੇ ਤਬ ਉਨਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਦੋ ਫੂਲ ਜੋ ਥੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਫੂਲ ਕੋ ਜਲਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਔਰ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਦਫਨਾ ਕਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦਫਨਾਇਆ ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ ਤੋ ਇਹ ਉਨਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹੀਂ ਪਰ ਉਨਕੇ ਜੋ ਫੂਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜੋ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਉਨ੍ਹੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜੋ ਸੇ ਉਨ੍ਹੇ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਪਰ ਉਨਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਤੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੇਂ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਾ ਜਨਮ ਹੁਆ
और करतारपुर साहिब भी वो जगह है जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो समय था वो बिताया था, इसीलिए जगह इतनी खास हो जाती है। बाकी मैं अभी आपको पूरी हिस्ट्री साथ साथ बताता रहूँगा। अब हम जा रहे हैं और ऊपर चलते हैं, देखते हैं, मैं आपको सारा करतारपुर साहिब आज दिखा दूंगा वीडियो में। सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में तो ताला लगा है, यहाँ पे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से पूरा करतारपुर साहिब दिख रहा है। तो भाई करतारपुर साहिब की एक और खास बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बहुत से लोग जिनके परिवार जन कुछ तो इंडिया में है कुछ पाकिस्तान में है, तो वो करतारपुर में आके मिलते हैं। अभी पीछे मैं एक सिंधी आंटी से मिला जिनका परिवार आधा जो है वो अहमदाबाद में रहता है गुजरात में, और उनका भांजा है वो आज आ रहा है यहाँ पर तो उनसे मिलने के लिए। और एक चीज मुझे और पता लगी कि वो आंटी जी हैं जिनसे मैं अभी मिल के आया हूँ, हालांकि मैंने तब वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि अच्छा नहीं रहता यार हर किसी के मुंह पे कैमरा मारना करना, तो यार वो फिर कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो हाँ, अगर किसी को रिकॉर्ड करना है तो पूछ लो, अदरवाइज मत करो। तो मैं ये बता रहा था कि आंटी जी है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, यानी कि पाकिस्तानी सिटीजन है, और वो चार दफा यानी कि चार बार इंडिया आ चुकी हैं अपनी फैमिली वालों से मिलने के लिए, और वो जयपुर अहमदाबाद घूम चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार इंडियंस को पाकिस्तान का वीजा नहीं देते, पाकिस्तान को इंडियंस का नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर देते हैं। पाकिस्तान का वीजा आप ले सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझाना आपका पर्पस ये वो, पर हाँ वीजा मिल जाता है। और यही है यार कि यहाँ पर आके परिवार जुड़ जाते हैं, गुरु नानक देव जी की इस धरती पर परिवार जुड़ते हैं। और हाँ ये मैंने देखा है यहाँ पे, तो ये है पूरा गुरुद्वारा, मैंने आपको गुरुद्वारा साहिब दिखा दिया है। अब हम जा रहे हैं लंगर हॉल में लंगर छकने के लिए, लंगर छकते हैं और उसके बाद मैं आपको मार्केट भी दिखाऊंगा पाकिस्तान का मार्केट कैसा होता है। पर पहले चलते हैं लंगर हॉल में, लंगर छकते हैं और उसके बाद और आगे चलेंगे। तो ये है यहाँ पर लंगर हॉल और चलते हैं अंदर। पाजी लंगर हॉल आई है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी आ जाओ, हेल्प करा को थोड़ी नहीं। ठीक है जी, ठीक। तो ये यहाँ पे ऊपर की तरफ लंगर हॉल है, चलते हैं अंदर लंगर हॉल की तरफ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो भाई अभी जिस मैं कुएं के पास खड़ा हूँ ना, ये वही कुआ है जहाँ पर गुरु नानक देव जी खुद पानी भरा करते थे। तो ये है वो कुआ, यहाँ पर गुरु नानक देव जी खुद पानी भरा करते थे। और यहाँ की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, स्टोरी ये है कि जब 1971 की जंग हुई थी तब भारत ने यहाँ पर एक बॉम्ब गिर दिया था। तो वो बॉम्ब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये वही बॉम्ब है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया ने गिरा था 1971 की जो वॉर है उसके थ्रू। तो भाई ये वो बॉम्ब है जो कि इंडिया ने गिरा था 1971 वॉर के ड्यूरिंग दौरान गुरुद्वारा दरबार साहिब श्री करतारपुर साहिब विद द एम टू डिस्ट्रॉय इट। बाकी ये बात तो मुझे नहीं लगती कि भारत ने गुरुद्वारे को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉम्ब फेंका होगा, ये तो थोड़ी मनगढ़ंत कहानी इन्होंने मुझे लग रहा है बता दिए, लेकिन ये बॉम्ब इंडिया ने गिरा था ऐसा है यहाँ पे कहानी। दिस बॉम्ब लैंडेड इन टू श्री खू साहिब, यानी कि जो ये बॉम्ब है ना ये इस जगह पे गिरा था, खू साहिब है जो उसके बराबर में। बाकी जो थोड़ी बहुत कहानी है ना ये तो देखो यहाँ पे लिखी हुई है, और ऐसा कहते हैं कि बाकी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि भारत सरकार ने जानबूझ के ये फेंका होगा ताकि इस गुरुद्वारे को डिस्ट्रॉय किया जा सके, ऐसा तो मुझे नहीं लगता क्योंकि यार हमारे खुद गुरुद्वारे इतने हैं और हर गुरुद्वारे की रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत ने इस गुरुद्वारे को तोड़ने के लिए 1971 की जंग में ये बॉम्ब जो है ये फेंका था, जो कि मुझे नहीं लगता, तो लिखा हुआ है तो चलो कोई बात नहीं उसे रहने देते हैं। बाकी ये जो बॉम्ब था ये फटा ही नहीं गुरु नानक देव जी की कृपा से, और ये सबसे अच्छी बात है 1971 की जंग के अंदर ये जो बॉम्ब है ये यहाँ पे फेंका गया था, ये देखिए। तो ये है वो बॉम्ब जो कि भारत ने फेंका था लेकिन ये फटा ही नहीं।
और ये है श्री खूह साहिब, जहाँ पर गुरु नानक देव जी खुद पानी भरा करते थे। ये है वो खूह साहिब, ये देखो मैं आपको अंदर से एक बार फिर से दिखा देता हूँ।